नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम को लेके, जो एग्ज़ाम को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है कि एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, प्रमोट किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, और इसके साथ साथ असाइनमेंट को लेके कुछ अपडेट्स हैं बहुत ज़रूरी, और आपके नए एडमिशन जो चल रहे हैं उसको लेके कुछ बातें, और सारे अपडेट हैं, बहुत सारे अपडेट हैं इसमें जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो इस वीडियो में मैं सभी को कवर करूँगा। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकें शेयर कर दीजिए इसको, ताकि उनको इनके पास भी ये नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो पैनिक ना हो ज़्यादा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट इग्नू से रिलेटेड आप लोगों को मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए पहले अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कल लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है सभी प्रोग्राम्स के, जो असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए उसकी, और आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की उसकी सबकी जो है, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सबकी डेट हैं जो है वो 30 जून कर दी गई है कल बढ़ा के। तो ये आप लोगों को कल ही पता चल गया, और कल एक वीडियो भी इस पर मैं बना चुका हूँ। तो और आज 16 जून है, आज री एडमिशन की भी नोटिफिकेशन आ गई है, इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 25 जून तक कर दी गई है, इसका भी फॉर्म आप आराम से भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों अभी परेशान होने की बात नहीं है, आप अपना असाइनमेंट वगैरह इंटर्नशिप प्रोडक्ट जनरल जो भी है आप आराम से सबमिट कराइए, ठीक है। और इसी को लेके जैसा कि आप जान रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हुई है 30 जून तक, और कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन 5 मई को आया था एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के लिए, जैसा कि ये पेज पे आप देख पाएंगे कि एग्जामिनेशन फॉर टर्म इन जून 2020 हैज़ बीन पोस्टपोन, तो आप इस पर क्लिक करके वो नोटिफिकेशन भी देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो इसमें ये कहा गया था दोस्तों कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसको, उसका इन्फॉर्मेशन जब भी एग्ज़ाम होगा वो 15 दिन पहले नोटिफाई किया जाएगा ईमेल, मैसेज और इन सब के द्वारा। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि अभी जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है सबमिशन की सभी चीज़ की 30 जून तक, 30 जून तक तो डेट एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जनरल सबमिट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम कैसे होंगे जुलाई में, जुलाई को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जुलाई में एग्ज़ाम होंगे स्टूडेंट के, परेशान है कि जुलाई में एग्ज़ाम कब से होंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा अंदाज़ा है जुलाई में भी एग्ज़ाम होने के जो चांसेस हैं ना के बराबर हैं। 20 से 25 जुलाई तो मान के चलिए कि 20 से 25 जुलाई के बाद ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए, क्योंकि अब 30 जून तक आप सबमिट कराओगे, 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि आप 30 जून को ख़त्म हो गया और 1 जुलाई को नोटिफिकेशन थोड़ी ना आ जाएगा कि आपको आपका 15 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है या 16 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनल प्रोसेस भी होता है एग्ज़ाम फॉर्म ये सब भरने के बाद, आपके सेट से, पेपर सेट से, बहुत सारी चीज़ें तैयारियाँ करनी पड़ती हैं जो आगे आपको इन एग्ज़ाम्स में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, 20 से 25 जुलाई के बाद ही जो भी नोटिफिकेशन आएगा आएगा या फिर इसके 15 जुलाई के बाद ही आने वाला है जहाँ तक उम्मीद है, अब वो भी कंफर्म नहीं है, इसके लिए आप परेशान न हो। अगर प्रमोट की बात, कि प्रमोट किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, ये देखिए इसके लिए अभी कोई भी कंफर्म नोटिफिकेशन ना तो इग्नू के द्वारा आया है ना तो MHRD से कुछ आया है। तो जो बहुत सारे स्टेट जो यूनिवर्सिटी हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि वहाँ प्रमोट कर दिया गया वहाँ, तो उनका स्टेट का है ये, काफ़ी वास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, इसको डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। तो आप इसमें बिल्कुल भी पैनिक ना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पर, इग्नू की वेबसाइट पर आएगा, वो आप सभी के हित को ध्यान में रखते हुए आने वाला है, तो आप थोड़ा सा इसमें पैनिक ना हो, बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आगे ये था कि इसमें कि एग्ज़ाम जुलाई में जो है वो तो नहीं होने वाले जहाँ तक उम्मीद है, आगे कैसे होने वाला है जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। तो इस पर यह था कि जुलाई में एग्ज़ाम मुझे तो नहीं लगता कि होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 30 जून तक जो फॉर्म भरे सारे चीज़ होने वाली हैं, तो इसके में इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मैं पहली अपडेट पे, और एक और अपडेट है जो असाइनमेंट को लेके है, RC Daily 1 पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो स्टूडेंट ईमेल से जो भी सबमिट कराए थे अपना, उनको फिर से गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कराना पड़ेगा। तो गूगल फॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया, बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 1.5 लाख असाइनमेंट सबमिट हो चुके हैं अब तक गूगल फॉर्म के थ्रू। तो 15 जून को 3:30 PM को वो फुल हो गया, 1 TB का जो स्टोरेज था उनका फुल हो गया, तो उसके एवज में उन्होंने अल्टरनेट एक
गूगल फॉर्म तैयार कर दिया गया है, उसी को कैरी करते हुए आगे ताकि और स्टूडेंट जो रह गए हैं उसको सबमिट करा सके। जिन्होंने इस पर सबमिट करा लिया ऑलरेडी पहले वाले गूगल फॉर्म पर, उनके लिए नहीं है, जो बच गए हैं जिनको सबमिट कराना था तो वो इस वाले गूगल फॉर्म पे सबमिट कराएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने लिंक इस लिंक को नए वाले लिंक को अपडेट कर दिया है, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ये लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखें आप, और ये जो RC डेली वन के स्टूडेंट हैं वो जो फिर से सबमिट करा रहे हैं वो अगले से इस वाले लिंक पर सबमिट कराएंगे जो रह गए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और एक अपडेट है इसी के कि जो आप सबमिट कराओगे इसका एक पूरा लिस्ट एक जारी किया जाएगा, रिसिप्ट टोटल असाइनमेंट का। इस पर आप क्लिक करके पूरी लिस्ट देख पाओगे, उसमें अपना नाम भी देख पाओगे। अभी 14 दिन कोई अपडेट हुआ है तो आप सबमिट कराओगे तो आगे जो भी अपडेट आए उसमें आपका नाम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिस्ट इस लॉट वन लॉट टू को डाउनलोड करोगे तो उसमें बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें अपना नाम सर्च करके देख पाओगे। और इसके साथ दोस्तों जो है कि एडमिशन शुरू हो चुका है, फ्रेश एडमिशन, तो उसके लिए RC डेली वन ने एक प्री काउंसलिंग का एक फॉर्म तैयार किया है प्री एडमिशन काउंसलिंग के लिए। इसमें अगर आप किसी भी प्रोग्राम्स के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। इस गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपना डिटेल सबमिट करवाओगे, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा ईमेल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, जैसे भी उनको कन्वेंस लगेगा वो कन्वीनियंस उस हिसाब से सबमिट करेंगे। ये नया लिंक दिया हुआ है फ्रेश एडमिशन का, यहाँ से जा सकते हैं और होम पेज पर भी लिंक अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले भरना पड़ेगा आपका ईमेल, एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका करेंट वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रह रहे हैं आप वो भरिए, किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया गया है, कौन से प्रोग्राम आप उस प्रोग्राम देख के यहाँ पे उस प्रोग्राम का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप 5 क्वेरी यहाँ पर उनसे कर सकते हैं, प्लीज़ आस्क क्लियर एंड कम्प्लीट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन रख 5 क्वेश्चन आप रख सकते हैं, ये रख के आप सबमिट कराओगे तो आपसे वो कॉन्टैक्ट करेंगे प्री एडमिशन काउंसलिंग के पर्पज़ में। तो आप यहाँ से प्री एडमिशन काउंसलिंग कर सकते हैं आप अपना। RC डेली वन पे ये गूगल फॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट दोस्तों RC डेली 3 से, वो हर दूसरे दिन अपडेट होती रहती है। इसमें क्या है कि बहुत बड़ा ये रीजनल सेंटर है, इसमें बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं, सभी स्टडी सेंटर अपना ईमेल आईडी गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, तो वो भी अगर स्टोरेज फुल हो जाता है तो इसमें अपडेट करते रहते हैं और RC डेली 3 की वेबसाइट पर अपडेट होता रहता है। तो इसमें जब भी आप लेटेस्ट असाइनमेंट अगर जो भी स्टूडेंट है सबमिट करा रहा है तो इस फॉर्म को देखने के बाद ही जो भी ईमेल वगैरह इसमें दिया है उनके स्टडी सेंटर का उस पर आप सबमिट कराओगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट जो ओपन मैट MBA और PhD का, उसकी भी डेट दोस्तों एक्सटेंड हो गई है 30 जून तक। तो देख लिए, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, जो भी NTA एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सभी के डेट्स को एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके लिए भी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि आप नया शेड्यूल कब से आएगा, एग्जाम कब होने वाले हैं। तो दोस्तों इस पर अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो NTA से डायरेक्ट क्वेरी भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी है, तो वहाँ पे ईमेल आईडी पे भी ईमेल लिख के कब आगे एग्जाम होने वाले हैं, कब होंगे कब नहीं होंगे वो आप क्वेरी सॉल्व कर सके। और जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हैं, ओपन मैट MBA और PhD के स्टूडेंट अगर बनना चाहते हैं इनके, तो यहाँ पे दोनों फॉर्म सब अवेलेबल हैं, आप फॉर्म यहाँ पे जाके भर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों प्रोजेक्ट को लेकर जो प्रोजेक्ट सबमिट हो रहे हैं ऑनलाइन, वो उसका जो है कि अभी डेट चल नहीं रहा था, लास्ट डेट होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे थे, ये हैंग कर रहा था, अभी ये एक्टिव हो गया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, अपना असाइनमेंट अपना जो फील्ड वर्क जनरल डिजर्टेशन जनरल वर्क है इंटर्नशिप है आप आराम से 30 जून तक आप सबमिट करा सकते हो, ये अभी काम कर रहा है प्रॉपर। और आगे अपडेट पर चलते हैं। आगे अपडेट दोस्तों था DEC प्रोजेक्ट को लेकर, अडेप्टिव मार्किंग स्कीम फॉर अल्टरनेट DEC प्रोजेक्ट वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है। क्लिक हियर पर डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैसे मार्किंग करेंगे वो पूरा यहाँ पे लिस्ट उन्होंने दे दिया है सभी फेज का, और इसके साथ साथ कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, रिवाइज प्रोजेक्ट गाइडलाइंस ऑडियो में बनाया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे जो ई ज्ञान कोर्स है उस पर अपलोड किया गया है, और इसका डायरेक्ट लिंक मैं भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पूरा ऑडियो को सुनेंगे, यूट्यूब पर है ये, और ये सुन के आप यहाँ से पूरा आप डिटेल ले सकते हैं, पूरा डिटेल 40 मिनट का है, आप देखिए समझिए, और जो भी DEC के प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो पूरा डिटेल लेके यहाँ से उसको समझ के अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने समझाया है, आप समझ के अब लॉकडाउन का अब क्या कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम तो है ही सभी को, आप अपना इसमें डिटेल समझें और अपना प्रोजेक्ट बनाएं और सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी अपडेट्स थी
तो अभी आप पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना फॉर्म भरें, सब कुछ करें, सभी डिटेल्स को ध्यान में रख के अपना काम करें आराम से, और सेफ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें कि सुरक्षित रहें, और बस यही कहूँगा। बाकी और कोई सवाल है आपके दिमाग में, कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं जवाब आपको देता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि आप अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करेंगे तो मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से तैयारी करें, आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूर करते रहें कि एग्ज़ाम हो या ना हो, क्योंकि प्रमोट भी किया जाएगा तो आपको कम से कम पढ़े तो रहेंगे किस चीज़ के लिए हमें प्रमोट किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज़ को पढ़ते भी रहें, प्रमोट किया जाए वो अलग की बात है, वो सबके लिए होगा। अभी वो भी कंफर्म नहीं है कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको ज़रूर मिलेगी चैनल पे। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जहाँ भी आप शेयर कर सकें शेयर करिए। बस यही था दोस्तों, आगे कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।